नमस्कार, विदेशी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 2 लाख से ज्यादा हो चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस आंकड़े को अमेरिकी आंकड़े के तौर पर नहीं देख रहे हैं, वे इसे ब्लू एंड रेड स्टेटस के आंकड़ों में बांटकर देख रहे हैं। ब्लू स्टेटस उन राज्यों को कहा जाता है जहां डेमोक्रेट्स प्रभावी माने जाते हैं। रेड स्टेटस यानी वे राज्य जहां रिपब्लिकन पार्टी का दबदबा है। इसी हफ्ते ट्रंप ने कहा कि अगर आप ब्लू स्टेटस को निकाल दें तो दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता कि हालात बेहद खराब है। रेड स्टेटस में मौतों का आंकड़ा काफी कम है। पाकिस्तान की संसद में पेश एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी ने 2 साल पहले यानी 2018 में सबसे ज्यादा टैक्स अदा किया। भारतीय मुद्रा के हिसाब से शाहिद ने कुल 1782 करोड़ रुपए व्यक्तिगत टैक्स जमा किया। यह प्रधानमंत्री इमरान खान की कैबिनेट सदस्यों द्वारा भरे गए कुल टैक्स के 2 गुना से भी ज्यादा है। जानकारी समा न्यूज के रिपोर्ट में दी गई है। फ्रांस सरकार के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है। अगस्त में देश के ज्यादातर हिस्सों में संक्रमण पर काबू पाने के बाद फ्रांस में इसकी दूसरी लहर देखने को मिल रही है। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। शुक्रवार को हेल्थ मिनिस्ट्री ने बयान जारी कर बताया कि देश में एक दिन में 13,215 नए मामले सामने आए हैं। इससे भी ज्यादा फिक्र की बात यह है कि मरने वालों का आंकड़ा भी 154 बढ़ गया, अभी 31,249 हो गया। 3 महीने बाद एक दिन में इतने लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई। टिकटॉक और वीचैट जैसे चाइनीज ऐप पर अमेरिकी सरकार की सख्ती बरकरार है। कॉमर्स डिपार्टमेंट 20 सितंबर तक इन दोनों ऐप्स की डाउनलोडिंग बैन कर सकता है। इसके बाद ऐप डाउनलोडिंग के लिए गूगल प्ले स्टोर जैसे प्लेटफॉर्म से इन दोनों ऐप को हटाने का ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद देश में कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं कर सकेगा। कनाडा में चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी हुवेई का कड़ा विरोध हुआ है। हुवेई यहां 5G नेटवर्क स्थापित करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहती है। इसके लिए उसने पहली बार कानूनी तौर पर वादा किया है और उसमें नेटवर्क या इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल जासूसी या गैर कानूनी काम में नहीं किया जाएगा। कनाडा की विपक्षी पार्टियां हुवेई के इस वादे को बिना कोई तवज्जो दिए इस पर बैन की मांग कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर एरिन तुली ने कहा कि सरकार हुवेई के बारे में विचार भी ना करे, जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, अगर हम सत्ता में आए तो इस चीनी कंपनी को फौरन बैन कर देंगे। इसी के साथ बुलेटिन वक्त लग छोटे से ब्रेक का। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी हॉल नंबर 8 चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स एमपी नगर जोन 1 भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रूस ने कोरोनाविर नामक दवा को फार्मेसी दुकानों में बेचने की मंजूरी दे दी है। अगले हफ्ते से यह दवा दुकानों में मिल सकेगी। आर फार्मा की इस दवा को हल्के और मध्यम लक्षणों वाले मरीज प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर खरीद सकेंगे। इससे पहले मई में एवी फेविर दवा को कोरोना के मरीजों के लिए इस्तेमाल में लाने की इजाजत दी गई थी। दोनों ही दवा जापान में तैयार फेविपिराविर केमिकल से तैयार की गई है। फिलहाल इस केमिकल से बनी दवा का इस्तेमाल दुनिया भर में वायरस के इलाज के लिए किया जा रहा है। अमेरिका ने रूसी सेना के साथ हुए कई संघर्षों के बाद पूर्वी सीरिया में अतिरिक्त सैनिकों और बरखत बंद वाहनों को तैनात किया है। हाल ही में अमेरिका और रूस के वाहनों की टक्कर हो गई थी जिसमें 4 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए थे। अमेरिका के केंद्रीय कमांड के प्रवक्ता नेवी कैप्टन बिल अर्बन ने कहा कि अमेरिका ने पूर्वी सीरिया में रडार सिस्टम भी भेजा है और अमेरिकी और गठबंधन सेना को बेहतर सुरक्षा के लिए क्षेत्र में लड़ाकू विमानों की गश्त बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सीरिया में किसी अन्य देश के साथ संघर्ष नहीं चाहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर गठबंधन बलों का बचाव करेगा। कोरोना वायरस के हमले के बाद चीन अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सामना कर रहा है। उत्तर पूर्वी चीन में 3,000 से ज्यादा लोग एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से संक्रमित पाए गए हैं। यह बैक्टीरिया वैक्सीन बनाने वाले सरकारी बायोफार्मास्यूटिकल्स प्लांट में लीक होने के बाद फैल रहा है। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि करीब 30 लाख की आबादी वाले लांझू में 3,245 लोगों में ब्रुसेलोसिस बैक्टीरिया पाया गया है। हालांकि अभी तक इस बैक्टीरिया संक्रमण के किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। चीन ने शनिवार को कहा कि वह वीचैट और टिकटॉक ऐप के डाउनलोडिंग को रोकने के अमेरिका के कदम का विरोध करेगा। बीजिंग ने वाशिंगटन को चेतावनी दी है कि वह चीनी कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए उसके खिलाफ जवाबी उपाय भी करेगा। अमेरिका ने शुक्रवार को लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए रविवार से प्रतिबंधित करने के आदेश जारी कर दिए। चीन के 18 फाइटर जेट शुक्रवार शाम ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसे। इन फाइटर जेट्स ने कुछ मिनट तक यहां उड़ान भरी और बाद में लौट गए। बाद में चीन ने कहा, यह हमारी तरफ से अमेरिका और ताइवान को वार्निंग है। खास बात यह है कि जिस वक्त ये फाइटर जेट्स ताइवान के आकाश में उड़ भर रहे थे, तब अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी कीथ क्रेस ताइवान की राजधानी ताइपे में एक प्रोग्राम में मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 10 साल तक रिसर्च के बाद बायोनिक आंख बनाई है।
इसके जरिए लोगों को दृष्टिहीनता से छुटकारा मिल सकेगा। इसका ट्रायल हो चुका है, अब इसे मनुष्य के मस्तिष्क में लगाने की तैयारी चल रही है। दावा है कि यह दुनिया की पहली बायोनिक आंख है। यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर लाउरी ने बताया कि हमने एक ऐसी वायरलेस ट्रांसमीटर चिप तैयार की है जो मस्तिष्क की सतह पर फिट की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।